हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर सिस्टम्स के एंटायर प्लेलिस्ट मैं आपके सामने अपलोड करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम पार्ट बाय पार्ट इसके सभी चैप्टर्स के सभी जो टॉपिक्स है वो कवर अप करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो नंबर सिस्टम्स है वो CS1 का, यानी कि क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है CS1, यानी कि पेपर 1 जो होता है उसका। तो हम इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे और आपके जो भी डाउट है वो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि मैंने कुछ महीनों पहले अपलोड की थी, कुछ साल पहले आप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी सारे पार्ट्स कवरअप किए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी डिमांड थी कि आप इसको रिक्रिएट कीजिए, इसलिए जो है वो हम यहाँ पर नए से नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये जो सीरीज होने वाली है वो और भी बेहतर होने वाली है इस कम्पेयर टू योर प्रीवियस प्लेलिस्ट, जिसके अंदर हम और भी एग्जांपल्स कवरअप करने वाले हैं। मैं आपको साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपके लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिए, इस प्लेलिस्ट को सेव कीजिए ताकि आप हमेशा जब भी नेक्स्ट टाइम रेफर करें तो आपके लिए आसान है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स कवर्ड इसके अंदर ये जो चैप्टर है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, यानी कि एज द चैप्टर नेम सजेस्ट नंबर सिस्टम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा थोड़ा इन डिटेल। इसके बाद जो आपका सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सभी का इंटर कन्वर्शन, तो इंटर कन्वर्शन हम सीखेंगे। उसके बाद लास्टली जो भी आपको सारे नंबर सिस्टम्स और कन्वर्शन पता चल जाएंगे, इसके बाद आप अरिथमेटिक करने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं बाइनरी नंबर्स के अंदर। सो हम देखते हैं चैप्टर को कवरअप करने वाले हैं। मैंने आपको बस एक ओवरव्यू बता दिया कि हम जो है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, इस एंटायर चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम्स क्या होता है। सो आपको थोड़ा आइडिया होगा ही, अगर आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं नंबर सिस्टम्स तो भी चिंता ना करें, आप हम जो है वो पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो नंबर सिस्टम्स बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, सेकेंड डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ टाइप जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। सो इस तरह से जो नंबर सिस्टम्स है वो आपके लिए फोर टाइप्स में सब डिवाइड किए जाते हैं। हम इन डिटेल इन्हें पढ़ने वाले हैं, तो आपका जो भी हम इसके बारे में ये चार चीजों के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपका ये जो फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट नंबर सिस्टम्स वो आपका कवर हो जाएगा। जब आप इससे क्लियरली समझेंगे तो उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटर कन्वर्शन। तो इंटर कन्वर्शन और अरिथमेटिक्स के लिए आपको नंबर सिस्टम्स को समझना जरूरी है जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन हम देखने वाले हैं, लेकिन इससे भी पहले आपको एक टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि है रैडिक्स। तो देखते हैं रैडिक्स क्या होता है। रैडिक्स बेसिकली इंडिकेट्स बेस ऑफ स्पेसिफिक नंबर सिस्टम। बेस का मतलब क्या है, हम अभी डिटेल में उसको पढ़ रहे होंगे, बस आप समझिएगा कि रैडिक्स जब हम कहेंगे तभी हम कोई भी नंबर सिस्टम के बेस के बारे में बात कर रहे होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि इट रिप्रेजेंट्स टोटल सिंबल, यानी कि वो पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स कितने होंगे वो हमारा रैडिक्स बताएगा या फिर वो हमारा बेस बताएगा। इसके बाद है वेटेज। तो वेटेज का मतलब क्या है ये हम अभी देखेंगे, आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि रैडिक्स जो है वो वेटेज या फिर पावर ऑफ ईच डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीन चीजों के बारे में आप जो है वो थोड़ा आइडिया याद रखिएगा, अभी हम थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नंबर सिस्टम आप देख पा रहे हैं रैडिक्स है और सिंबल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ये सब क्या लिखा है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो यहाँ आप देखेंगे कि आप ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका जो रैडिक्स है वो हमने 2 लिखा है। तो बेसिकली ये जो 2 है वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर कितने सिंबल होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सिंबल्स जो है वो बाइनरी के अंदर 0 और 1 ही होता है, तो इसलिए जो बाइनरी का रैडिक्स है वो हमारा 2 हो जाएगा। साथ ही हर एक डिजिट का जो पावर है या फिर जो वेटेज है, जैसे 0 का पावर या फिर 0 का वेटेज वो 2 होगा, 1 का पावर या फिर 1 का वेटेज भी 2 होगा एंड सो ऑन। तो ये हमने बाइनरी के बारे में बात कर ली। इसके बाद में आता है डेसिमल। हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी डिजिट्स होंगे आपके अंदर कोई भी वैल्यू होगा जैसे कि 0 1 0 और फिर यहाँ पर आगे 2 लिखा होगा। तो यहाँ पर जब 2 बाहर लिखा होता है इसका मतलब है कि ये जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे आगे ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। जो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम होती है
उसके अंदर का जो रेडिक्स होता है वो 10 होता है, इसके अंदर सिंबल जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरह के इसके अंदर सिंबल्स होते हैं। अगर हम काउंट करके देखते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो हमारे पास 10 टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स आते हैं और इसका रेडिक्स भी वही रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपली यहाँ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारा हेक्साडेसिमल का नंबर का वैल्यू आ सकता है। साथ ही ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स होता है वो 8 होता है, जैसे नेम सजेस्ट ऑक्टल, ऑक्टल का मतलब होता है 8। और इसके अंदर जो सिंबल होंगे वो 0 से लेकर 7 तक सिंबल्स होंगे। तो जब आप काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स मिलेंगे इसके अंदर वो होंगे 8। साथ ही हम इसको रिप्रेजेंट अगर हम करना चाहें तो हम इस तरह से जो है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमारा कोई भी जो है वो ऑक्टल वैल्यू या फिर ऑक्टल नंबर आ सकता है। जैसे हमने बाइनरी का देखा वैसे वैसे डेसिमल और ऑक्टल में यहाँ पर इसके वैल्यूज आएंगे। हेक्साडेसिमल की बात करें तो उसका जो रेडिक्स होता है वो 16 होता है। इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 9 तक आपके सिंबल्स होते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ सिंबल्स है ये हो गए हमारे 10 सिंबल्स, जो कि सिंपली हमारे डेसिमल सिंबल डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है वही सेम यहाँ पर 0 से 9 होते हैं। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो 16 नंबर्स है टोटल, तो ये अगर 10 है तो हमें और 6 नंबर्स या फिर 6 सिंबल्स की जरूरत पड़ रही होंगी ताकि टोटल जो है वो वैल्यू 16 आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर जो है ए बी सी डी ई एफ इस तरह के 6 हम अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे 11 को, 12 को, 13 सॉरी 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को। तो इस तरह से 0 to 15 हमारे टोटल जो है 15 को हम बेसिकली F से रिप्रेजेंट करता है। तो 0 से 15 यानी कि 16 सिंबल्स इसमें होते हैं और ये इस तरह से 10 और ये 6 ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर है ये है, आपको थोड़ा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में है थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा क्योंकि यही थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कि यहाँ जो डिजिट्स हमारे स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट से वो 10 से स्टार्ट होता है और ना कि 11 से। सो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी के अंदर होने वाला है और इसी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि आपको याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर। सो हेक्साडेसिमल का मतलब है कि आपके पास जो है वो 16 सिंबल्स होने चाहिए। तो अगर हम 10 + 6 इस तरह से इसको डिवाइड करने वाले हैं तो आपको जो 10 है वो डेसिमल का ही होगा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप देखेंगे काउंट करके कि ये जो है वो 1 है, 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस तरह से जो है वो आपके टोटल 10 सिंबल्स हो जाते हैं। तो ये जो है 0 to 9 ये हमारे 10 जो सिंबल्स है वो सिंपली डेसिमल के सिंबल्स होते हैं और जो कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हेक्साडेसिमल का मतलब है आप 16। तो ये जो बाकी के 6 नंबर्स है वो हम एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे, तो आप जो है वो इसको समझिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है जो हमने किया था, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना। यही आपके नंबर सिस्टम है जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि 0 से लेकर 9 तक स्टार्ट होती है। इसके बाद जो है वो कंटिन्यू करती है अल्फाबेट से, जो कि है ए बी सी डी ई और एफ। सो बेसिकली ये 10 पर एंड हुआ, यानी कि इसके अंदर 10 सिंबल्स है, लेकिन हमें जो स्टार्ट करना है वो यही से स्टार्ट करना है, जैसे कि 9 से। सो 0 से 9 के बाद जो है वो 10 आता है। तो हमारा ए का जो वैल्यू है वो 10 होगा, बी का जो वैल्यू है वो 11 होगा, सी का जो वैल्यू है वो 12 होगा, डी का जो वैल्यू है वो 13, ए का वैल्यू 14 और एफ का जो वैल्यू है वो 15 होगा। सो इस तरह से 0 to 9 प्लस ए से लेकर एफ तक हमारे 0 से लेकर टोटल 15 तक जो है वो 16 सिंबल्स हो जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कई लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि कैसे 16 नंबर्स होते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 नंबर्स थे हमारे 9 तक। इसके बाद में आप इसको जो है वो 11 नंबर मान सकते हैं या फिर 11 सिंबल, 12th सिंबल, 13th सिंबल, 14th, 15th एंड 16th सिंबल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल के अंदर 16 सिंबल्स होते हैं। सो इसके अंदर जो याद रखने की ट्रिक जो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि जो हमारे अल्फाबेट स्टार्ट होंगे वो हमेशा डबल डिजिट से स्टार्ट होंगे। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ए जो है वो यहाँ, क्योंकि हम 10 10 बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग ए को 11 अज्यूम करते हैं और बी को 12, सी को 13
डी को 14, ई को 15 और एफ को 16 अज्यूम करते हैं, लेकिन ये टोटली गलत है। और फिर वो बोलता है कि 16 नंबर्स है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि जीरो से नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए 15 ही सिंबल्स इसके अंदर होने चाहिए। और आपको जो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है वो ये है कि डबल डिजिट जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहां से अल्फाबेट स्टार्ट होंगे, तो ऐसे ही आपको याद रखना है क्योंकि 9 हमारा इसके अंदर लास्ट डिजिट होने वाला है, तो जो आपका 10th डिजिट होगा वो आपका ए होगा और ना कि 11th डिजिट। सो आई होप कि आपको नंबर सिस्टम याद रखने की टेक्निक समझ गई हो। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ जो नंबर सिस्टम्स का पूरा नॉलेज है वो यहाँ आ गया होगा। और इसी से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जो भी हमने डिस्कस किए थे सारे टॉपिक्स में से, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो कि है डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, तो वो हमने अभी कवर अप कर दिया है। आपको चारों टाइप्स के नंबर सिस्टम्स के बारे में भी नॉलेज हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसका इंटर कन्वर्जन सीखने वाले हैं।